फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 33 रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी चैनल की रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपीज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने के लिए आपको नीचे शेयर बटन में व्हाट्सएप में भी ऑप्शन मिल जाएगा और आप फेसबुक पे भी ये जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी है वो बताना चाहती हूँ। ये रेसिपी स्वीट है जो हमेशा बनाया करते थे शादियों में बनती थी। गुजरात में, काठियावाड़ में बहुत ही पॉपुलर स्वीट थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत पुरानी है। अराउंड 80s तक ये रेसिपी हमेशा ही शादियों में बनाया करते थे, जिसका नाम है कलवा। कलवा बोला जाता है और जो काठियावाड़ में बनता है, तो ये है काठियावाड़ी कलवो। तो आइए बनाते हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाली ये स्वीट है। तो आइए बनाते हैं काठियावाड़ी कलवो। गेहूं का आटा लेना है हमें। दो कप भर के मैंने गेहूं का आटा लिया है, जो ये मेजरमेंट से मैंने रवा लिया है। तो सेम मेजरमेंट से 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया। नॉर्मल चपाती वाला बारीक वाला गेहूं का आटा ही हमें लेना है और उसके साथ लेना है 1 कप रवा। रवा और गेहूं का आटा हमें मिक्स करना है और फिर उसे हमें बनाने हैं मुठिया। मुठिया बनाना है जो हम बनाते हैं चूरमा लड्डू बनाने से पहले। गेहूं के आटे का मुठिया फ्राई करके बनाना है। फ्राई करके बनाएंगे और बस एकदम ही इजीली ये रेसिपी प्रिपेयर हो जाएगी। इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे हम स्वीटनेस, जो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले गेहूं के आटे और रवा जो हमने मिक्स किया है, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से और उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमें ऐड करना है अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून। 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने से हमें इसका जो मौन है वो एकदम ही अच्छे से देना है। तो अगर मौन प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया तो हमारा जो मुठिया है वो अच्छे से टूटेगा नहीं। उसका मैं कारण आपको बाद में बताती हूँ जब भी हमारा मुठिया प्रिपेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मौन जो है वो प्रॉपर गेहूं के साथ आटे के साथ मिक्स हो गया है और अब इसका कलर भी चेंज हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जब भी हम मुट्ठी बाइंड करेंगे तो आटा जो है वो अच्छे से बाइंड ले लेता है। तो हमें ऐसा ही मौन देना है और उसके बाद हम फिर इसे हम बाइंड करेंगे, गूंदेंगे गर्म पानी के साथ। गर्म पानी के साथ गूंदने का कारण इतना ही है कि इसके अंदर ज्यादा पानी अगर ऐड हो गया तो हल्का सा गर्म होगा तो वो अपने आप सूखेगा, ठंडा होगा तो वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए थोड़े थोड़े आटे को हम पानी से गूंदेंगे और फिर इसके मुठिया प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा आटा अच्छे से गूंद लिया है मैंने और हल्का हल्का ड्राई ही रखना है हमें, एकदम ही इसका आटा एकदम ही बाइंड नहीं करना है जैसे पूरी या पराठे या तो भाखरी का आटा हो। और इसके हम छोटे छोटे लोई लेके मुठिया प्रिपेयर करेंगे। मुठिया प्रिपेयर करना है लेकिन छोटे छोटे मुठिया प्रिपेयर करेंगे और बीच में हम उंगलियों की मदद से इसके अंदर जगह बनाएंगे ताकि हमारा जो मुठिया है वो फ्लैट बने और एकदम ही अच्छे से ये फ्राई हो। तो फ्रेंड्स, हमने मुठिया प्रिपेयर कर दिए हैं
और आप देख सकते हैं अच्छे से मुठिया जो है वो बाइंड हो गए हैं। तो इसे अभी हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, बस इसे ऐड करेंगे और हमें फ्राई करना है एकदम धीमी आंच पे, तो ही हमारा जो मुठिया है वो प्रॉपर फ्राई होगा। तो एक बार तेल गरम होने के बाद हम आंच को एकदम स्लो कर देंगे और स्लो आंच के ऊपर इसे फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स, इसे हल्की आंच पे फ्राई करने का रीजन यही है कि इसके अंदर जब भी फ्राई होगा तो उसके अंदर ब्रेक्स आएगी, जिसे हम तिराड़ बोलते हैं गुजराती में, तो वो आएगी और अंदर तक अच्छे से फ्राई होगा। आप देख सकते हैं अभी से इसके अंदर क्रैक्स आनी शुरू हो गई है, तो स्लो आंच पे ही इसे फ्राई करना है और बहुत ही अच्छे से लाइट ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करना है। अलटते पलटते हम फ्राई करेंगे तो हर एक जगह पे इवन उसका कलर आएगा और फ्राइंग इफेक्ट आएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम लाइट ब्राउन कलर के हमारे जो मुठिया हैं वो फ्राई होके रेडी हो गए हैं। इसे अभी निकाल लेते हैं और दूसरे मुठिया भी फ्राई करने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट स्टेप है, जब भी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए हमारे मुठिया, इसे हमें क्रश करना है हाथों से ही, बहुत ही बारीक क्रश नहीं करना है। और आप देख सकते हैं एकदम ही इजिली ब्रेक होते हैं। हमने जो मोंड प्रॉपर डाला है और जो प्रॉपर फ्राइंग किया है, यही एक खासियत है जो इसे इजीली ब्रेक करते हैं। अगर ये प्रॉपर फ्राई नहीं हुए, या तो अंदर से ब्रेक्स नहीं आए, या तो आपने मोंड को प्रिपेयर नहीं किया है प्रॉपर, तो ये कड़क हो जाएंगे और इजीली ब्रेक नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखना है ये टाइम पे जब भी हम इसका आटा गूंद रहे हैं। तो कलवा, ट्रेडिशनली कलवा ऐसे ही सर्व किया जाता है, और सर्व करने के टाइम पे इसके ऊपर ऐड किया जाता है शुगर का पाउडर और देसी घी। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, शुगर का पाउडर है, इसीलिए अभी के टाइम में थोड़ा खाना लोगों को हैवी हो जाता है। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आर्टिफिशियल शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खाना तो इसे घी के साथ ही है। घी, इस देसी घी, प्योर घी इसमें मस्ट है। ये खाने के लिए तभी के टाइम में, 80s की बात कर रही हूँ, ये खाने के लिए तभी ना बैट लगते थे कि कौन ज्यादा घी पीता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रेडिशनल ये रेसिपी है और बहुत ही रेयरली ये अभी हमें मिलती है। तो ये हल्का हल्का हमने क्रम्बल कर लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपने हिसाब से शुगर, आपको जो जितना मीठा पसंद है वो हिसाब से। मैं 2 चम्मच जितना शुगर ऐड कर रही हूँ, और शुगर के बाद देसी घी। फ्रेंड्स, मस्ट है, इसे अवॉइड मत कीजिए। शुगर की जगह आप गुड़ यूज कीजिए, या तो फिर शुगर की जगह आपको आर्टिफिशियल शुगर यूज करना है तो भी चलेगा, लेकिन घी तो इसमें होना ही चाहिए। ऑप्शनल में आप A2 घी यूज कर सकते हैं, जो कम फैट वाला है और अच्छे से आपकी हेल्थ को भी संभालेगा, लेकिन कलवो, काठियावाड़ी कलवो खाना है तो घी तो मस्ट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तभी के टाइम में ना इतना बड़ा सा मुझे याद है, मुझे मेरी दादी ने बताया था, बड़ा सा जो लोटा रहता है, पानी का लोटा रहता है, उसमें मेल्टेड घी लेके निकलते हैं। जब भी ये मुठिया क्रम्बल करके रेडी रहेगा हमारी थाली में, उसके बाद सर्व किया जाता है शुगर का पाउडर, और उसके बाद ऐड करते हैं घी, और घी को ऐसे ही धार करते हैं, तभी पूरी थाली घी से भरी हुई होती है
और ये कलवा ट्रेडिशनली खाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने रेडी कर दिया है कलवा और ये ऐसे ही खाना है हमें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा काठियाबाड़ी कलवो, बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लेकिन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।